आज हम आपसे शिक्षा नीति 2019 के बारे में आपसे डायरेक्ट वार्ता करेंगे और उम्मीद करेंगे आप भी अपना सुझाव हमें जरूर देंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान समय में जो शिक्षा नीति 2019 आई है उसके कुछ रूपरेखा के विषय में आपसे सीधी वार्ता करते हैं और उम्मीद करते हैं आप भी हमारा पूरी तरह से सहयोग करेंगे। वास्तव में जो इस समय हमारे देश में शिक्षा नीति की सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार बेरोजगारी का दौर बढ़ता जा रहा है और प्राथमिक विद्यालय कम होते जा रहे हैं तथा सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय उनकी संख्या कम होती जा रही और प्राइवेट सेक्टर विद्यालयों की संख्या अधिक होती जा रही। इसमें सबसे बड़ा जो खामियां था हमारी शिक्षा नीति में थी। हम कहते हैं आर्टिकल 21 से हमारा मूलाधिकार है, इच्छा से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्राइवेट सेक्टर को लगातार मान्यता देकर हम उनको उनके बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां लगातार कम होती जाएं। आप देखिए लगातार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या तो है लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, बालकों की संख्या लगातार नदारद होती जा रही है। इससे ये एक बात स्पष्ट होता है कि बालकों की संख्या में जितनी ज़्यादा कमी आ रही है और फिर अगर लगातार कमी जारी रहेगी तो फिर भविष्य में शिक्षक भर्ती के लिए या प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वह विद्यालय एक वीरान सा जगह बनता जाएगा। इसलिए शिक्षा नीति जो आई है उसमें इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कितने दूर पर प्राथमिक विद्यालय के बाद आप एक प्राइवेट विद्यालय को मान्यता देंगे। सबसे पहले पॉइंट एक है। दूसरी बात चलते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पे बात करते हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेके लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी उसने दो स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया। एक तो था पहले UPTET या CTT, उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इस आधार पर आपको अंतिम रूप से अध्यापक के रूप में चयनित होना था और यह दोनों परीक्षा विवादों को घेरे में और भ्रष्टाचार के घेरे में रही, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया। अब आते हैं अपनी शिक्षा नीति की बात करते हैं। हमारी शिक्षा नीति में तीन तरह के परीक्षा प्रावधान का, तीन तरह की परीक्षा प्रकार की व्याख्या की जाती है। पहला UPTET या CTT, फिर NTA, फिर एक स्क्रीन टेस्ट की बात की जाती है। तो सबसे पहले आते हैं स्क्रीन टेस्ट की बात करते हैं। अभी तक हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल में और राज्य में, जब ये गवर्नमेंट पहली बार आई थी सबसे पहले उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी और यहां तक कहा गया था कि ग्रुप सी में जितनी भी नौकरियां में इंटरव्यू लिया जाता है सभी को समाप्त कर देंगे। और सबसे अच्छी पहल, जैसे वो गवर्नमेंट में आते हैं जितने भी स्टेट और जितने भी सेंट्रल में, हर जगह ग्रुप सी की सभी नौकरियों में से इंटरव्यू के हटा दिया गया। यह हमारे देश के लिए भ्रष्टाचार मिटाने का सबसे बड़ा शुभ संकेतक था और यह संकेतक का, इस संकेत का हम सभी अभ्यर्थी तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू के नाम पर लाखों रुपया, हजारों रुपया, करोड़ों रुपया धन उगाही उन गरीब अभ्यर्थियों से किया जाता था उन्हें नंबर देने के नाम पर, और अब उसे खत्म करने वाली सरकार आज पुनः शिक्षा नीति में सुधार के नाम पर वह स्क्रीन टेस्ट की व्याख्या करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी जो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो ये कहा था कि राजीव गांधी जी ने ये कहते थे, राजीव गांधी जी भी ये कहते कि एक रुपया जब सेंट्रल चलता है तो व्यक्ति के पास 10 से 15 पैसा पहुँचता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सराहनीय कदम जिसे लोगों का खाता खुला और जो भी सब्सिडी होती, जो भी पैसा होता डायरेक्ट व्यक्ति खाते में आता, मतलब बीच के बिचौले को उन्होंने खत्म कर दिया। यह हमारे देश के भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत था, यह बड़ा एक ऐसा आधार था जिस आधार पर यह हो सकता था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम हो सकता है, क्योंकि जो बिचौलिया थे वो कम हो गए, सेंट्रल पैसा डायरेक्ट उपभोक्ता, डायरेक्ट अभ्यर्थी, डायरेक्ट जो जनता है उनके खाते में आता था। मतलब अगर 100 रुपया चलता था केंद्र से तो अब 100 रुपया ही आता था, लेकिन बीच में उन्होंने जो स्क्रीन टेस्ट कर दिया और BRC स्तर पे, कहीं ना कहीं यह एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं वो इस टेस्ट को पास करने के नाम पे लाखों रुपया उन गरीब शिक्षु, उन गरीब अभ्यर्थियों से ऐठने का काम करेंगे। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उन्हें उस स्क्रीन टेस्ट में फेल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने अगर BTC BEd दो वर्षीय प्रशिक्षण लिया होगा, आपने देखा होगा कि आपने भी जो वाइबा दिया होगा उसके नाम पे आप पे किस किस तरह के अत्याचार किए गए थे। इसलिए यदि आप अपनी कही हुई बातों पर चलते हैं, अपने आधार पर चलते हैं, यदि आप ये कहते हैं कि आप देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, यदि आप इसकी व्याख्या करते हैं कि श्री ग्रुप सी स्तर की जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उन सभी में इंटरव्यू खत्म किया जाए, तो फिर एक अध्यापक बनने के लिए आपने इस तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट व्यवस्था किस आधार पर किया, बस मैं आपका यह आधार जानना चाहता हूं, जबकि आप ही एक बार ये कहते हैं कि ग्रुप सी में जितनी भी नौकरियां हैं उसमें हम इंटरव्यू को खत्म करते हैं। दूसरी बात पर आते हैं, आप क्या जब लिखित परीक्षा है वहाँ इतने बड़े स्तर पर धांधली हो जाती है, जैसा कि आपने भी संज्ञान में लिया, आपने यह बात का, यहाँ तक कि आप हमारे माननीय
मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, और शायद अगर आपके पास वो वीडियोज भी होगा उनका, कि पिछली सरकार में काफ़ी करप्शन हुआ था और इन्होंने जब आया काफ़ी पारदर्शिता लाया। लेकिन हम ये कहते हैं, क्या वह पारदर्शिता का ये उदाहरण देना चाह रहे हैं स्क्रीन टेस्ट व्यवस्था कराकर? आप एक नहीं, दो नहीं, तीन परीक्षा लीजिए, परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो, लिखित परीक्षा हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आपकी पारदर्शिता उन गरीब शिक्षकों के लिए होंगी, उन गरीब व्यक्तियों के लिए होंगी जो सीधे परीक्षा देकर आते हैं, उनके लिए सारी चेक होती है, सारी सुविधाएं होती हैं, मतलब कि उसके साथ एडमिट कार्ड होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो एग्जाम दे रहा है। लेकिन उसके पहले कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से पेपर होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की मीडिया कह रही है, देश का अखबार कह रहा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस को लेकर, और यहाँ तक कि मामला सुपरटेट 69,000 भर्ती में आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने आंसर सी की भी दिखा रहे थे, पता नहीं इसमें सत्यता कितनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ तो सत्यता है, क्योंकि उसके कैलेंडर से सारे जितने भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा थी, उसके कैलेंडर से सारे इस वर्ष में होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और इस बू को खत्म करने के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं, ये जो शिक्षा नीति है, यह देश का सबसे बड़ा आधार स्तंभ होता है। आपको पता होना चाहिए, शिक्षा किसी भी देश को विकसित देश बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जिस देश की शिक्षा में गुणवत्ता होगा, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी, माने स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप सुधरेंगी। जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे, जहाँ की जनता जागरूक होगी, तो वहाँ पे क्या होगी? स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी। जब स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी तो हमारे देश में क्या होगा? जब स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा अपने आप बढ़ेगी। जब ये तीनों बढ़ जाएगी तो हम देश के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम तेज गति से ऊपर जाएंगे, और तेज गति से ऊपर जाने के लिए जो सबसे बड़ा आधार है वो शिक्षा, और वो शिक्षा की जड़ है वो प्राथमिक शिक्षा। जैसा कि आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा, क्योंकि लगातार इनसे 2005 इस बात का जिक्र करता है, वो ऐसे नौनिहाल होते हैं जिनकी जो शिक्षा की व्यवस्था होती है वो प्राथमिक कक्षा में एलिमेंट्री कोर्स किए हुए व्यक्ति एक बेहतर शिक्षण जो लेकर आए वो दे सकते हैं। मतलब अगर विश्व भारत को विश्व गुरु बनाना है या विश्व गुरु का सपना दिखाना है, तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा जो शिक्षा नीति आई है, वास्तव में देश में एक अच्छी नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, जिसमें ये होना चाहिए था कि प्रत्येक गांव में एक सरकारी विद्यालय हो, उस विद्यालय में सभी अपना दाखिला कराएं, चाहे किसी भी रैंक के अधिकारी हो, सभी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे, और सरकार पूरे पारदर्शिता के साथ उस में जो हमारे संविधान की मूल भावना आर्टिकल 21A 45A इस भावना को वास्तव में जनता तक पहुंचाती। लेकिन उसके लिए योग्य शिक्षक चाहिए। आप योग्यता की बात करते हैं, आप उस योग्यता की परख में क्या स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे बेहतर व्यवस्था है? आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने इंटरव्यू खत्म किया, आपने इसलिए खत्म किया कि इस पे इंटरव्यू के नाम पे बहुत बड़े बड़े करप्शन होते थे, क्योंकि गरीब परिवार कहां से उतने पैसे लाएगा? 2 वर्षीय BTC DLED BEd अन्य 2 वर्षीय कोर्स कराने में वो बिक जाता है, माँ के गहने गिरवी रखे जाते हैं, बाप की जमीन बिक जाती है, बाप का पसीना पैर का सर पे चढ़ जाता है, इतनी मेहनत करके इतनी धन उगाई होती है, क्योंकि एक अभ्यर्थी पीड़ा जानता है वो किस तरह 2 वर्षीय प्रशिक्षण देकर आता है, फिर किसी तरह वह CTT UPTT पास करता है, फिर NTA या सुपरटेट के नाम से जो आपने दूसरी परीक्षा रखी उसको पास करता है, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम पर एक अच्छी खासी धन उगाही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग क्वालिफाई होकर आएंगे, तो उन्हीं का करेंगे, क्योंकि हम नहीं, आपने कहा था, बड़े बड़े मंचों से आपने कहा था कि इंटरव्यू के नाम पर देश के अभ्यर्थियों के साथ, देश की युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे सरकार है, हमारे गार्जियन हैं, हम ये बात आपसे कहना चाह रहे हैं। आपने ये प्रारूप दिया है, मुझे पता है इस प्रारूप में सुधार करने की जरूरत है, तो मैं आप सभी अभ्यर्थी जो जिन तक मेरा वीडियो पहुंचा, एक छोटा सवाल है, क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं है स्क्रीन टेस्टिंग? अगर है तो आप, उन्होंने कहा है ना जुलाई तक आप अपने सुझाव दीजिए, तो आप हमें अपना सुझाव दीजिए, फिर एक वीडियो हम लेकर आएंगे, फिर वहां पे आप भी अपना सुझाव दीजिएगा, हम भी अपना सुझाव देंगे, क्योंकि मेरे सुझाव को अगर आप देंगे तो एक ही सुझाव होगा, आपका भी खुद का दिमाग होगा। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप BTC BEd DLED किए हों या आप अध्यापक हो तभी तक आप अपनी इस वीडियो को आप तक पहुँचाए, अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, क्योंकि तभी तक आप तक मेरा वीडियो पहुँचेगा। आपके हाथ में सेलफोन है, इसका मतलब आप एजुकेटेड हैं, और आपके देश में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भारत में एक नई शिक्षा नीति आ रही है, और ये शिक्षा नीति को आपको भी, आप 3 घंटे की पूरी मूवी देख लेते हैं, 1000 पेज के उपन्यास पढ़ डालते हैं, क्या 600 पेज की देश का भविष्य नहीं पढ़ सकते? तो एक बार आप उस देश का भविष्य पढ़िएगा जिसमें आगामी कई नौनिहालों का भविष्य उसमें सिमटा हुआ है, आप उसे पढ़िएगा, और उस पर आप अपनी राय सरकार को जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर पेज में हो सकता है कि, जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति देश में नहीं, विश्व में नहीं था, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन या न्यूटन
जब बाग में गए और वहां से सेब गिरा, तब उन्होंने जाना सेब क्यों गिरा, क्या इसके पहले सेब नहीं गिरता था, क्या इसके पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान वहां गया। और आज न्यूटन को हम आप, वो न्यूटन तो दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी हम न्यूटन को जानते हैं। इसलिए आप भी न्यूटन हो सकते हैं, आप भी थॉमस अल्वा एडिसन हो सकते हैं, हो सकता है आपका दिमाग मुझसे बेहतर काम करे और सरकार को वह सुझाव इतना बेहतर लगे कि वह देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाए। तो आप अगर एक भारत के नागरिक हैं, एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, एक पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो चाहे आप जो भी हैं, आप अपना सुझाव जरूर दें। आप शिक्षा नीति 2019 को पूरा पूरा पढ़ें और हर पेज को भली भांति पढ़ें और उस कमियों को देखें और वर्तमान प्रदेश, वर्तमान समाज को देखते हुए फिर ये देखिए क्या हमारे वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जो स्थिति वास्तव रूप में बनी है उसके पे क्या ये शिक्षा नीति खरा उतरती है या उसमें किस किस संशोधनों की जरूरत है। क्योंकि आप सभी, क्योंकि आपके मत से ही सरकार बनी, हमारे मत से ही सरकार बनी, तो सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि हम जो सुझाव देंगे वो वास्तव प्रदेश को देखते हुए। क्योंकि जानते हैं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता पे शासन करने वाला व्यक्ति क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, वो क्या है, वो लोकतंत्र है। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति में जो भी सुधार की अपेक्षा करते हैं आप सभी कमेंट करके हमें बताएं, इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, सभी लोग जान पाए। सबसे बड़ी बात कि आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे, गवर्नमेंट सेक्टर को आप लगातार काम करते जा रहे हैं। आपको लगातार इस बात पे दबाव बनाना चाहिए कि ज्यादातर जो दाखिला हो आपके प्राइवेट की जगह आपकी गवर्नमेंट संस्था में हो, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था में बीए ग्रेजुएशन करके बीए बीएससी बीकॉम दो वर्षीय प्रशिक्षण यूपीटीटी सीटीटी सुपर टीटी इन इतनी बड़ी परीक्षाओं को पास करने वाला व्यक्ति जब पढ़ने जाता, जबकि प्राइवेट सेक्टर का जो मानक है आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। तो फिर लोग वहां क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी कमियां हैं, इस बात को शिक्षा नीति में क्यों नजरअंदाज किया गया, क्यों भारत के युवाओं को और बेरोजगार श्रेणी में रखा जा रहा है। मतलब अगर देश के युवाओं को रोजगार चाहिए तो कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय में लगातार जो दूरियां बढ़ती जा रही है युवाओं की, उन दूरियों को कम करना होगा, उसमें शिक्षा नीति को बात बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा और साथ ही साथ स्क्रीनिंग टेस्ट व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा। लिखित परीक्षा प्रणाली का ही आप प्रयोग करें, एक नहीं दो नहीं तीन परीक्षा लीजिए, हम उस योग्य हैं, हम देने के लिए आपकी हर परीक्षा देने के लिए तत्पर है। लेकिन आप शिक्षा नीति में ये बनाइए कि प्रत्येक वर्ष हम शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार से करेंगे, हम किस महीने में यूपीटेट कराएंगे, किस महीने में सीटेट कराएंगे, किस महीने में एनटीए कराएंगे, किस महीने सुपरटेट कराएंगे और उसका परिणाम कब कब देंगे और फिर हम कब तक हम उन्हें ज्वाइनिंग दे देंगे, ताकि जिस व्यक्ति का ना हो वो अगली भर्ती की तैयारी करे। क्यों आप हमें यू परीक्षा तक दिलाते हैं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करवाते हैं, डबल बेंच सिंगल बेंच क्यों हमें दौड़वाते हैं, आखिर क्या ऐसा रीजन है? आपके पास योग्य अधिकारी हैं, आप एक पेपर नहीं बना सकते? आप कितनी गलतियां निकालते हैं, पेपर में गलतियां निकालते हैं, यहां तक कि विज्ञापन जारी करते उसमें गलतियां निकालते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं हमें देश में योग्य टीचर नहीं है, योग्य अध्यापक नहीं है। अरे सर, आपने योग्यता को तो नजरअंदाज कर दिया, अपनी योग्यता को परखा ही कहा, पहले आप योग्यता की परख करने से पहले यह देख लीजिए कि आपके चारों तरफ जो योग्य लोग बैठे हैं वो हमारी योग्यता को कैसे तराशते हैं, कैसे निखारते हैं, क्या जो शिक्षा नीति बनाई गई है क्या उसमें यह ध्यान दिया गया कि हम योग्यता को तलाश रहे, क्या योग्यता का पैमाना स्क्रीन टेस्ट है? ठीक है बेशक आप स्क्रीन टेस्ट कराइए, हर वर्ष कराइए, हर माह कराइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कराइए, लेकिन अगर इस तरह से पैमाना सिलेक्शन के पैमाने में रख देंगे तो कहीं ना कहीं गरीब अभ्यर्थी हो चाहे जो भी अभ्यर्थी हो उसका शोषण होगा। इस बात को आप भली भांति परिचित है क्योंकि आप ही नहीं कहते थे कि इंटरव्यू के नाम पे लाखों रुपया करोड़ रुपया अभ्यर्थियों से, युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से अंगेठे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस बात का कि आप हमारी बात को समझेंगे और आप भी जितनी भी नीतियां में आपको कमियां लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको लिंक देंगे कैसे कमेंट करना और हर एक पेज के बारे में बताएंगे, एक एक दिन में हम एक एक पेज की दो दो पेज की व्याख्या करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारे साथ शिक्षा नीति के सुधार में आप साथ आएंगे। क्योंकि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें ये नहीं पता है कि देश में जो आधार स्तंभ है आज हम बोल पा रहे हैं उस प्राथमिक विद्यालय की देन है, आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं उस प्राथमिक विद्यालय की देन है। माने देश में लोग कहते हैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, सर आज देश के जो प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जो भी है वो उसी प्राथमिक विद्यालय का एक जीता जागता उदाहरण है और आप उसी प्राथमिक विद्यालय की अस्तित्व खतरे, आप उस शिक्षा की मंदिर जहां से आप निकल कर इतने बड़े मंत्री बने, इतने बड़े अधिकारी बने, आज उसी की नीति बनाते समय इस बात को आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं कि आपको योग्यता की परख के लिए उसमें भ्रष्टाचार की बू आने लगी। इसलिए आप अगर शिक्षा नीति बना रहे हैं तो ये ऐसी सीढ़ी है, आप देश के
उस बागडोर को दे रहा है जिसके हाथ में हमारा देश का भविष्य है। अगर वही भ्रष्टाचार से लिप्त होकर जाएगा तो बालक के भविष्य की हम किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं? कहीं ना कहीं उस बालक के, उस देश के जो आर्टिकल 21A का जो मूल उद्देश्य, जो मूल आशय है, उस आशय से कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम का मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है। और ठेस कैसे पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि वहां पे कहा गया है ना 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का, तो आप निःशुल्क दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रीन टेस्ट व्यवस्था करा के अगर करप्ट व्यक्ति जाएगा तो कहीं ना कहीं करप्शन फैलाएगा। आपको योग्यता चाहिए, आप हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार परीक्षा कराइए, हम देने के लिए तत्पर हैं, उस योग्य हम अपनी योग्यता साबित करेंगे। लेकिन आप भी अपनी योग्यता साबित करिए, आप ऐसे पेपर बनाइए जिसमें गलतियां ना निकले, जिसमें त्रुटियां ना हो। आप रिजल्ट हमारा समय से दीजिए। हमें क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच क्यों दौड़ाया जाता है? इसलिए मतलब एक बार हम अपनी तैयारी करें, फिर आपके न्याय के मंदिर में अपने मत्था पटके, सर जी हमारे पीछे हमारा परिवार होता है, उनकी उम्मीदें होती है। जब हम BTC बीएड करते हैं, हमारी माँ जब गहने गिरवी रखती सुमीर से, 2 साल बाद बेटा BTC बीएड करके निकलेगा, फिर वो सरकारी नौकरी करेगा, तो मैं उसे अपने गहने छुड़ा लूंगी। इस उम्मीद से हमें फरवरी से जवानी मिलते मिलते आज जून आ गया, मई आ गया, जून आ गया, और हमें अभी तक जवानी नहीं मिल पाई। इस उम्मीद से ब्याज बढ़ता जा रहा है, सर टूट जाता है इंसान, वो अगली भर्ती की तैयारी नहीं कर पाता। जिस तरह UPSC, UPSC जिस तरह वो शेड्यूल जारी करते हैं, जिस तरह वो समय सारणी जारी करते हैं, परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हैं, वैसे हमारे शिक्षक भर्ती की भी आप शेड्यूल जारी कर दीजिए, पूरे वर्ष का शेड्यूल, ताकि हर अभ्यर्थी को बता रहे कब क्या क्या पढ़ना है, इस बार भर्ती में होगा, अगली बार होगा। हमें 50,000 भर्ती मत दीजिए, हमें 60,000 भर्ती मत दीजिए, 15,000 प्रतिवर्ष दीजिए, 20,000 प्रतिवर्ष दीजिए, मतलब उतना ही दीजिए इतना आप करा सकते हैं, और उसे हर हाल में उसे संपन्न कराइए। आप जब भी पेपर बनाइए, जब भी विज्ञापन बनाइए, इस बात को भली बात ही हो जाइए, उसे न्यायालय में चैलेंज ना किया जाए, मतलब इस बात का भी विशेष ख्याल रखिए। और फिर भी यदि आपको कोई त्रुटि लगती है, आप अपने सुझाव में दीजिए, हम आपके सुझाव की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप भी देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, जितना अधिकार मेरा उतना अधिकार आपका भी है। और आप एक बात ये हो सकता है आप मुझसे बेहतर सोच सकते हैं, तो वो भी आप अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एक छोटा सा प्रश्न, क्या इस शिक्षा नीति में वर्तमान भारतीय प्राथमिक विद्यालय को, जो वर्तमान परिदृश्य है, क्या उसको देखते हुए यह शिक्षा नीति बनाएगी? क्या ऐसा तो नहीं हम ऊपर बैठे हुए, जो ऊपर सुने दिखाई देता है उतना ही देख शिक्षा नीति बनाएगी? क्या इसे जमीनी स्तर पर देखते हुए शिक्षा नीति में सुधार किए गए हैं? अगर नहीं किए गए तो आप हमें इलर्निंग विद दुर्गेश पे मेल कर सकते हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम कर सकते हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश हमें फेसबुक पे बता सकते हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश से आप हमें यूट्यूब पे बता सकते हैं, हमारे मैंने आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ इस लिंक के बाद ही आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि वर्तमान देश में हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस सपने को साकार एक अध्यापक और एक वह नौनिहाल भविष्य कर सकता है, वह भविष्य आपके हाथ में है। कभी कभी हम देखते हैं कि 1947 हम आज़ाद हुए थे, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, आज चाइना कहाँ हम कहाँ? आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या क्या हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर, हमारे राजनीतिक फैक्टर, क्या क्या ऐसी कमियाँ रही जो हमारे देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है? आज भी विश्व की सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या हमारे देश में, फिर भी हम विकासशील की राह पे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों? क्यों इस शिक्षा नीति को बनाते समय इस बात का ख्याल नहीं किया गया? क्यों प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनकी मान्यताओं पर लगाम लगाकर हम सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मिड डे मील का भोजन और कपड़े ड्रेस देने से ही क्या नौनिहालों का भविष्य, क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? क्या उसके साथ उनको में आने वाले अध्यापकों के साथ, जो अध्यापक आके जो उन्हें शिक्षा देंगे, क्या उनके ऊपर जो नियम बनाएंगे, क्या उसको कहीं अनदेखा नहीं किया गया है? आप दो ने तीन ने चार परीक्षाएं कराएं, हमारी योग्यता होगी, हम आपके सामने योग्यता साबित करेंगे, लेकिन एक बात मैं पुनः कहूंगा, उस परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी जरूरी है। और जितनी भी आपने नीति बनाई, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी पढ़िए, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप दुर्गेश सर सर्च करेगा, बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, DURGESSHIR, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, दुर्गेश सर सर्च करने के बाद इलर्निंग विद दुर्गेश उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी सूचना हम आपको यहीं उपलब्ध करा पाएंगे। और फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, और इलर्निंग विद दुर्गेश से आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका और भारत के सभी नागरिकों का इस पर अधिकार है। क्योंकि मैंने एक बात आपको बताया, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य हमारे नौनिहालों के हाथ में है, और वह नौनिहालों का जो भविष्य वो हमारे अध्यापकों के हाथ में है। तो
हमें एक योग्य अध्यापक चाहिए तो योग्यता की परख स्क्रीन टच व्यवस्था से नहीं होगी, उससे भ्रष्टाचार की बू आएगी और भ्रष्टाचार की बू आने वाले भविष्य को पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी। जो धुआं उठेगा वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए अभी भी वक्त है, आप अपने जो भी सुधार आपको चाहिए, आपको जो भी सुधार चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में टीचरों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनके लिए क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे देश का विकास हो सके। क्योंकि देश के विकास, मैंने बताया, एक GI पैमाना है। SDI जरा देख के बताइएगा, SDI के पैमाने में हाल ही में जो आंकड़ा 2018 में आया था दिसंबर में, उसके अनुसार भारत का रैंक चौथा है। और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की वो स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? इसका जो मापन है, पहला एजुकेशन, मैंने पहले बार बार बताया, एजुकेशन अगर किसी देश का सुधर जाएगा, अगर किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया जाए, किसी देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाता है तो कहीं ना कहीं, अगर आप किसी देश की शिक्षा व्यवस्था सुधार कर सकते हैं तो उसकी हॉस्पिटैलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा लोग पढ़ लिख कर आएंगे तो वह डॉक्टर सेवा जिसे हॉस्पिटैलिटी कहते हैं वो अपने आप सुधर जाएगा। हॉस्पिटैलिटी सुधरेगी तो फिर क्या होगा, जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी और हमारा देश विकास की तरफ बढ़ेगा। हम अन्य देशों में जाएंगे, वहां पे भी जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में एक बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश है और सरकार ने भी ये प्रारूप पेश किया है। इस प्रारूप में अभी संशोधन होंगे। इस संशोधन के लिए आपका जो बहुमूल्य सुझाव होगा वो जरूरी है, क्योंकि आपका इस देश में भागीदारी है और आप देश के विकास में आपका सबसे अहम योगदान है। आप गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं और इस बात का भी हमें भी गर्व है और आपको गर्व होना चाहिए। और इसलिए इस भारत के विकास में, इस भारत की नीतियों में आपका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है, जितना देश के उन मंत्रीगणों का है। तो आप अपने अधिकार से पीछे मत हटिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से अभी शिक्षा नीति में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या कमियां है, और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस शिक्षा नीति में हमारे देश के विकास के लिए अन्य क्या क्या सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। यहां तक टीचर की, छात्र की, बालक की, साथ साथ अभिभावकों की, आखिर कैसा कारण है अभिभावक लगातार सरकारी स्कूल से वो अपनी दूरियां बढ़ाकर प्राइवेट तरफ ले जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट में धन उगाही की जा रही है शिक्षा के नाम पर, और हमारे देश की सरकारें निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। और जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगर आप इस पर दबाव नहीं बनाएंगे, आप अपने इस पर सुझाव नहीं देंगे, तो आप जानते हैं समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब कभी केंद्र और राज्य सरकार के दोनों कानूनों में टकराव होता है उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है। इसलिए इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं करिएगा। आप अपना बहुमूल्य समय, बहुमूल्य मत इसलिए दीजिएगा क्योंकि आपका जो मत है ये देश के विकास कि जो एक रेखा है, एक मानक रेखा है, जो सबसे आधार स्तंभ है जिसे शिक्षा कहते हैं, उसमें आपका योगदान होने जा रहा है। इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचा, इसका मतलब आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप पढ़े लिखे हैं, आप नेट यूज करते हैं, तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में इलेनी बुद्रगेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितनी भी सोशल साइटें हैं, अगर आप कोई भी यूज करते हैं वहां इलनी भी दुर्गेश सर्च करके आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम 2 से 3 दिन बाद एक और वीडियो देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको सुझाव अपना कैसे भेजना। पहले तो लोग पहले बता रहे सुझाव कैसे भेजना, पहले आप पढ़िए तो सही। अरे भैया, देश की विकास की बात है, आप 300 पेज 600 पेज की शिक्षा नीति नहीं पढ़ सकते? पूरा देश उस पर टिका है, विश्व गुरु बनने का सपना उसे आधार दे सकते हैं। हम देश को सुधार सकते हैं, बेरोजगारी कालम से दूर हट सकते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को, यहाँ तक कि इंडिया में एक साथ साथ जो कार्यशील जनसंख्या है उसे इस योग्य बना दे कि पूरा वर्ल्ड हमारे कार्यशील जनसंख्या की को अपने यहाँ बुलाए। हमारे पास उतनी श्रम शक्ति होनी चाहिए, उतना एजुकेटेड होना चाहिए कि हर देश अपने यहाँ बीजा दे के हमें सम्मान बुलाए और हम गर्व से कहें हम भारतीय हैं। क्योंकि हम अगर अन्य देशों में जाएंगे, वहाँ से अगर हम फॉरेन करेंसी लाएंगे तो अपने देश को मजबूत करेंगे और अपने देश की जो फॉरेन करेंसी है, जो RBI के पास है, वो उसे हम क्या करेंगे, उसे बढ़ाएंगे और हमारा रुपया डॉलर की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होगा और देश विकास की राह पे और तेज गति से बढ़ेगा। और हम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो वो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वो तब साकार हो पाएगा जब शिक्षा नीति में उचित संशोधन के साथ, उचित सुझाव के साथ इसे पुनः नए तरीके से, इसे पुनः हम सबके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें आपकी भूमिका अग्रणी है और उम्मीद करते हैं आप अपनी भूमिका, जो आपकी ये महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इसमें अपना सुझाव जरूर देंगे। और यदि कोई अन्य सुझाव हो तो हमें 9506701777 पे भी आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं आप हमारे सोशल साइट पर आइएगा, वहाँ पे आप हमें अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिएगा और आपका सुझाव इस देश के विकास में भागीदारी है। और आप 600 पेज का एक बार आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप जो भी हों
क्योंकि आपने देखा होगा इस समय उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मिसा से संवाद चल रहा है, वो जिस तरह चल रहा, अगर इस प्रक्रम चलता रहेगा वास्तव में भारत विश्व गुरु जल्द ही बन पाएगा। इसलिए मिसर संचार समाज से जुड़े सभी अध्यापकों का हम सहृदय सम्मान करते हैं, उसमें योगदान देने वाले उन सभी अभिभावकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने हमारे प्राथमिक विद्यालय पे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय पर अपना विश्वास जताया है, और हम उन सभी गुरुओं को सहृदय नमन करते हैं जिन्होंने उनके विश्वास को मिसर संचार समाज के आधार पर उसे सिद्ध किया है और दिखाया है कि वास्तव में प्राथमिक शिक्षा आज भी उच्च योग शिक्षा है जो कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर है। तो उन सभी अध्यापकों को हम सहृदय नमन करते हैं, और आप सभी देशवासियों को हम एक बार जरूर कहना चाहेंगे, आप इस शिक्षा नीति को एक बार ड्राफ्ट को पढ़िए, अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत करिएगा, और इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। जो भी कमियां लगे, जो भी अच्छाई लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह वीडियो उन तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देश के भागीदारी में अपनी भूमिका साथ साथ उनकी भी भूमिका का भागीदार बनाएंगे। इसलिए आप सभी साथियों को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं एक बार पुनः कहूंगा कि विश्व गुरु बनाने के लिए आपका सहयोग वांछनीय है, आप अपना सहयोग जरूर दीजिएगा, साथ ही अपने सभी साथियों का सहयोग और सुझाव जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप इस देश के प्रबुद्ध नागरिक है, और प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वीडियो लिंक को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।